हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह लेकर उपस्थित हूँ टुडे करंट अफेयर्स जी के एम साथियों आज 23 मई वार शनिवार के करंट अफेयर की हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कल के हमारे क्वेश्चन ऑफ़ द डे के क्वेश्चन के आंसर की साथियों वीडियो पूरा देखें कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी आपको कंटेंट की क्वालिटी का पता चलेगा साथियों वीडियो में बहुत कुछ है क्वालिटी मैटर करती है साथियों कलम ने जो क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि इन दिनों चर्चा में रहा ई नाम पोर्टल किससे संबंधित है ऑप्शन ए गरीब कल्याण योजना से ऑप्शन बी कोविड 19 से बचाव से ऑप्शन सी कृषि उत्पादों को ऑनलाइन बेचने से और ऑप्शन डी आधार डेटा में संपादन से तो साथियों हाल ही में चर्चा में रहा है ई नाम पोर्टल और ई नाम जो पोर्टल है वो क्यों चर्चा में रहा है इसकी बात की जाए तो वह चर्चा में रहा है कृषि उत्पादों को ऑनलाइन बेचने से ऑप्शन सी राइट आंसर कृषि उत्पादों को ऑनलाइन बेचने से ई नाम क्या है नेशनल एग्रीकल्चर मार्ट मार्केट और साथियों इस सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर है क्या तो राइट आंसर तो हमें बता ही दिया क्या है ऑप्शन सी राइट आंसर था कल के क्वेश्चन का हमारा कि कृषि उत्पादों को ऑनलाइन बेचने से साथियों ई नाम सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो ई नाम जो है उसका पूर्ण रूप क्या है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट और यह है किसानों के लिए अपने फसलों को ऑनलाइन बेचने के लिए एक व्यापार पोर्टल है जिसका उद्देश्य एकीकृत राष्ट्रीय कृषि इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार का निर्माण करना था इनाम पोर्टल की बात की जाए तो ईनाम पोर्टल को वर्ष 2016 में वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था तो किससे कृषि और कृषि आधारित चीजों से संबंधित है कृषि उत्पादों को ऑनलाइन बेचने से संबंधित है और यह पोर्टल डब्लू पर उपलब्ध है तो साथियों यह था हमारा कल का क्वेश्चन और अब हम आगे बात करेंगे आज के क्वेश्चन की भी और हमारे दस क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है उनका विस्तार से अध्ययन साथियों हम बैग तक आते हैं बैग तक बोले तो अर्थ तक जमीन से जुड़े हुए जैसे लोग होते हैं ना उसी तरह हम लोग भी अपने क्वेश्चंस की निचोड़ तक जाते हैं साथियों यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा और इसी मोटिवेशन के साथ हम शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स जी के क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से और हमारा क्वेश्चन संख्या फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है ऑप्शन ए राजस्थान ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी केरल और मेरे साथियों अभी हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किसने किया है छत्तीसगढ़ राज्य ने ऑप्शन बी राइट आंसर छत्तीसगढ़ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है 21 मई को और इस अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किसने किया छत्तीसगढ़ राज्य ने छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री कौन है भूपेश बघेल तो ऑप्शन बी राइट आंसर है छत्तीसगढ़ इस योजना की बात की जाए तो यह किसान केंद्रित योजना जो है इसका लक्ष्य क्या है कोविड उन्नीस महामारी के बीच छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना यह जो योजना है कौन सी राजीव गांधी न्याय योजना इसका जो प्रावधान है वो 2020 और 21 के बजट में किया गया है और इस योजना से लगभग एक लाख सत्तासी हजार सॉरी एक पॉइंट मिलियन से अधिक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है आइए बात करते हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना की विशेषताओं की तो मेरे साथियों राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इक्यावन करोड़ रुपए खर्च करेगी इसमें क्या होगा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के खातों में अनुदान राशि को सीधे हस्तांतरित किया जाएगा सीधे ट्रांसफर किया जाएगा इसमें क्या किया जाएगा किसानों को धान मक्का और गन्ना फसलों के लिए प्रति एकड़ दस हजार रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा और इसके, इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार दलहन और तिलहन फसलों के लिए पंजीकृत और अधिसूचित क्षेत्रों के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ एक के हिसाब से एक निश्चित राशि देने पर भी विचार कर रही है तो साथियों राजीव गांधी किसान न्याय योजना की विशेषताएं और राजीव गांधी किसान न्याय योजना नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या दो भारत के किस राज्य के स्थानों कौन से स्थान लिपुलेख कालापानी और लिपिया धुरा को नेपाल ने अपने मानचित्र में दिखाया है ऑप्शन ए बिहार ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी सिक्किम साथियों हाल ही में नेपाल राज्य ने सॉरी नेपाल देश ने अपना मानचित्र जारी किया है एक नया मानचित्र दिया है और उसमें लिपू लेख कालापानी और लिपिया धुरा को भारत के जो राज्य हैं के क्षेत्र हैं इनको अपने मानचित्र में दर्शाए और ये तीनों क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है वह राज्य है उत्तराखंड ऑप्शन सी राइट आंसर उत्तराखंड राज्य से संबंधित है तीनों क्षेत्र जिनको कि नेपाल देश ने अपने मानचित्र में दर्शाया है और इन तीनों क्षेत्रों पर विवादास्पद क्षेत्र थे विवाद चल रहा था साथियों नेपाल द्वारा जो ये मानचित्र जारी किया गया है इस मानचित्र के अनुसार भारत के लिपुलेख कालापानी और लिपिया दुरा के कुल तीन सौ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नेपाल के हिस्से में दिखाया गया है इस मानचित्र में कालापानी के कुल साठ किलोमीटर और लिपिया दुरा के तीन सौ पैंतीस वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र शामिल है और बात की जाए कालापानी की तो कालापानी चीन नेपाल और भारत की सीमा के मिलन बिंदु पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है तो नया मानचित्र किसने पेश किया है नेपाल ने और उसमें क्या किया है भारत के उत्तराखंड राज्य के तीन स्थानों को अपने क्षेत्र में मिला लिया है तो राइट आंसर था ऑप्शन सी उत्तराखंड राज्य नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या तीन निम्न में से किस राज्य ने सिडबी के साथ साझेदारी की है और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए एक स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है ऑप्शन है राजस्थान ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश तो साथ ही उस सिडबी के साथ साझेदारी और स्टार्टअप फंड जो लॉन्च किया है वो किया है उत्तर प्रदेश ने ऑप्शन बी राइट आंसर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साझेदारी किसके साथ की है सिडबी के साथ और सिडबी का नाम क्या है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया शुरुआत किसकी की है स्टार्टअप फंड की उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की और उत्तर प्रदेश राज्य ने इससे पहले राज्य में स्टार्टअप के गठन में तेजी लाने के लिए सिडबी को पंद्रह करोड़ रुपए की पहली किस्त भी सौंपी है पंद्रह करोड़ भाई साहब बहुत ज्यादा है यह जो स्टार्टअप है यह प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल के आधार पर रोजगार प्रदान किया करेगा और राज्य में युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करेगा बात करते हैं स्टार्टअप फंड की यूपी स्टार्टअप फंड यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत फंड ऑफ फंड्स के रूप में किया गया है यह जो फंड है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सीबी द्वारा स्वीकृत वैकल्पिक निवेश निधि का हिस्सा होगा जिसमें सीधे स्टार्टअप में निवेश नहीं किया जाएगा फंड की जो अवधि है वो कितनी रखी है बारह साल की अवधि के लिए संचालित किया जाएगा और जिसे सिडबी द्वारा फंड मैनेजर के तौर पर कार्य करके पैसेवर रूप में बंधित किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या चार केंद्र सरकार ने किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सोरकरण करने की योजना की घोषणा की है ऑप्शन ए कोणार्क सूर्य मंदिर ऑप्शन बी शिरडी साई मंदिर ऑप्शन सी तिरुपति बालाजी मंदिर और ऑप्शन डी खाटू श्याम मंदिर तो साथियों अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर को पूर्ण रूप से शोरकरण करने की घोषणा की है ऑप्शन ए राइट आंसर कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि कहाँ स्थित है ओडिशा में उड़ीसा ओडिशा राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर है और इसे ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा लागू किया जाएगा इस परियोजना की बात की जाए कौन सी कोणार्क सूर्य मंदिर जो है ओडिशा में इसको सौरकरण की बात की जाए सौरकरण के लिए केंद्र सरकार 25 करोड़ रुपए देगी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार इस योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड की स्थापना की जाएगी जो सौर परियोजना और सोलर एप्लीकेशन के साथ जुड़ा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या पांच केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को कितने वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है ऑप्शन ए एक वर्ष ऑप्शन बी दो वर्ष ऑप्शन सी तीन वर्ष और ऑप्शन डी चार वर्ष साथ ही प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले तीन साल के लिए बढ़ा दिया है कब तक के लिए कर दिया है दो तक मार्च 2023 तक तीन साल के लिए बढ़ा दिया है तो ऑप्शन सी राइट आंसर है तीन वर्ष के लिए इस योजना को बढ़ा दिया गया है साथ ही इस योजना की बात की जाए तो प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना वर्ष 2017 में शुरू की गई थी किसने शुरू की थी 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पे आउट की गारंटी प्रदान करना है इसी योजना में निवेश की अधिकतम सीमा पंद्रह लाख रुपए और पॉलिसी की अवधि कितनी रखी गई थी दस वर्ष पहले जब यह योजना शुरू की गई थी तो इसका रिटर्न था आठ परसेंट लेकिन इस साल इसका रिटर्न घटाकर कितना कर दिया सात पॉइंट चार प्रतिशत और इसमें वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अनुरूप वरिष्ठ ब्याज दर को हर साल संशोधित किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या छह निम्न में से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मई 2020 में तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से छात्रों तक शिक्षा की पहुंच के लिए समागम शिक्षा कार्यक्रम के तहत उपाय शुरू किए ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर ऑप्शन बी लेह लद्दाख ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी नई दिल्ली तो साथ ही समागम शिक्षा कार्यक्रम तकनीकी की हस्तक्षेप के माध्यम से शुरू किया है जम्मू और कश्मीर ने तो ऑप्शन ए राइट आंसर जो कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बनाए जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड 19 लॉकडाउन के तहत जो कि अभी भी चल रहा है इकतीस मई तक इस लॉकडाउन के मद्देनजर शिक्षा के लिए पूर्ण पहुंच के साथ छात्रों को उपयोगी सामग्री पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए समागम शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है तो ऑप्शन ए राइट आंसर जम्मू कश्मीर सरकार नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या सात केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने फेसबुक लाइव सत्र के जरिए इग्नू के ऑनलाइन एम हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया वर्तमान में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है ऑप्शन ए रामविलास पासवान ऑप्शन बी राजनाथ सिंह ऑप्शन सी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल निंसक। तो साथियों अभी हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है रमेश पोखरियाल निंसक। ऑप्शन डी राइट आंसर रमेश पोखरियाल निंसक, जिन्होंने इग्नू के ऑनलाइन एम हिंदी कार्यक्रम को लॉन्च किया उसका शुभारंभ किया है साथ ही इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री निंसक ने कहा कि इस कार्यक्रम से हमारी पढ़े इंडिया ऑनलाइन पहल को मजबूती मिलेगी यानी कि भारत में एक अभियान और शुरू किया गया था भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान उसकी पहल को मजबूती मिलेगी और साथ ही साथ ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने में इग्नू की भूमिका भी रहेगी इग्नू क्या है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय ने किसने इग्नू ने हिंदी में एम के अलावा गांधी एवं शांति अध्ययन में एम पर्यटन अध्ययन में बीए अरबी में सर्टिफिकेट कोर्स सूचना प्रौद्योगिकी में सर्टिफिकेट कोर्स पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में सर्टिफिकेट कार्यक्रम ऑनलाइन कार्यक्रम में वीडियो के साथ साथ ऑडियो लेक्चर्स ट्यूटोरियल आदि के कार्यक्रम भी शामिल किए हैं जिनको भी शुरू किया जाएगा और वेबसाइट पर एक क्लिक के माध्यम से ये सारे कार्यक्रम हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या आठ एयरटेल अफ्रीका ने कोविड 19 से प्रभावित हुए बच्चों और परिवारों की सहायता करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है ऑप्शन ए यूनिसेफ ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य संगठन ऑप्शन सी नीति आयोग और ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र संघ तो मेरे साथियों एयरटेल अफ्रीका ने कोविड 19 से प्रभावित हुए बच्चों और परिवारों की सहायता के लिए भागीदारी की है यूनिसेफ के साथ ऑप्शन ए राइट आंसर यूनिसेफ और यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैंनरीटा एच पोल यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करती है बच्चों के विकास के लिए काम करती है ऑप्शन ए राइट आंसर यूनिसेफ तो यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका ने मिलन किया है और साथ ही इन दोनों के बीच जो साझेदारी हुई है इस साझेदारी का उद्देश्य क्या है उद्देश्य है बच्चों को दूरस्थ शिक्षा तथा पहुंच प्रदान करना और मोबाइल नगद हस्तांतरण के माध्यम से उनके परिवारों तक नगद सहायता पहुंचाना है यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका द्वारा मोबाइल तकनीक का इस्तेमाल लगभग 133 मिलियन स्कूली बच्चों को लाभान्वित करने के लिए किया जाएगा इसमें उप अफ्रीका के तेरह देशों के बच्चे शामिल हैं, जो कोविड उन्नीस महामारी के कारण स्कूल बंद होने से प्रभावित हुए हैं इस साझेदारी में जो तेरे देश हैं उन तेरह देशों के नाम क्या क्या है जाम्बिया कांगो नाइजीरिया गैबान कन्या मेडागास्कर, मलावी नाइजर रवांडा, तंजानिया कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा और चाड यह जो साझेदारी है साझेदारी से यूनिसेफ को इस क्षेत्र में सबसे गरीब परिवारों में से कुछ क्षेत्रों के लिए वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण नगद सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या नौ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कचरा मुक्त शहरों की सूची 2019-20 की स्टार रेटिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया है फाइव स्टार रेटिंग में सॉरी ऑप्शन ए दो ऑप्शन बी पाँच ऑप्शन सी छः और ऑप्शन डी दस और साथ ही फाइव स्टार रेटिंग में जो शामिल किया गया है वो छः शहरों को शामिल किया गया है और इन छः शहरों को नाम की हम बात करेंगे आने वाले हमारे पेज में तो साथियों हरदीप सिंह पुरी चौकी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं उन्होंने वर्ष 2019-20 के लिए छः शहरों को फाइव स्टार रेटिंग पैंसठ शहरों को थ्री स्टार रेटिंग और 141 शहरों में से 70 शहरों को वन स्टार रेटिंग दी गई है साथियों हो गए पूरे 70 प्लस पैंसठ प्लस छः ये कितने हुए एक छः शहर जो हैं जिनको फाइव स्टार रेटिंग दी गई है उनमें कौन कौन से हैं अंबिकापुर राजकोट सूरत मैसूर इंदौर और नवी मुंबई ये छः शहर ऐसे हैं जिनको कचरा संग्रहण के मामले में फाइव स्टार रेटिंग दी गई है इसके अलावा कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग के लिए संशोधित प्रोटोकॉल भी लॉन्च किया गया है नेक्स्ट और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन क्वेश्चन संख्या दस साथियों क्वेश्चन संख्या दस है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण जैविक विविधता में आने वाली महत्वपूर्ण कमी के विषय के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है ऑप्शन ए 11 मई को ऑप्शन बी 22 मई को ऑप्शन सी 22 जून को ऑप्शन डी 23 नवंबर को तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है 22 मई को ऑप्शन बी राइट आंसर 22 मई और इस जैव विविधता दिवस की बात की जाए तो यह दिवस विभिन्न प्रजातियों के पौधे जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल करता है जिनमें प्रत्येक प्रजाति के भीतर आनुवांशिक अंतर शामिल है जैसे फसलों की किस्मों और पशुओं की नस्लें इस दिवस की बात की जाए कौन सा इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडायवर्सिटी तो इस दिन वैश्विक संविदाओं से आह्वान किया जाता है कि हम प्राकृतिक दुनिया के प्रति अपने संबंधों को फिर से समर्पित करें क्योंकि हम अपनी दवाओं कपड़ों पानी भोजन ईंधन आश्रय और ऊर्जा के लिए पूरी तरह से स्वस्थ और जीवित जो जीवित जीवंत परिस्थिति तंत्र पर निर्भर है वर्ष 2020 की बात की जाए तो वर्ष 2020 की जो थीम क्या थी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की Our solutions are in nature. ये थीम थी बेटा और इस वर्ष की थीम प्रकृति के साथ भविष्य में जीवन को बेहतर बनाने के लिए आशा एकजुटता और सभी स्तरों पर एक साथ काम करने के महत्व पर केंद्रित है तो मेरे प्यारे साथियों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स जी के और अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की और आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है उस व्यक्ति का नाम बताइए जो आई क्रिकेट समिति का प्रमुख है जिसने गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है ऑप्शन ए राहुल द्रविड ऑप्शन बी रिक्की पॉन्टिंग ऑप्शन सी अनिल कुंबले और ऑप्शन डी कुमार संकारा और मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है इसके अलावा मॉर्निंग लाइव सवा पाँच बजे हमारा प्रीमियर चलता है उसमें भी आप अपना आंसर दे सकते हैं उसमें मैं आपके साथ चैट में उपस्थित रहूँगा चैट करूँगा आपके साथ आपके हर क्वेरी का जवाब दूँगा साथियों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें लाइक बटन पर क्लिक करें साथ ही साथ इस वीडियो का पी डाउनलोड करें पी डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो अच्छा लगा हो और कंटिन्यू आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल यूट्यूब चैनल जो है यू वी कम्पटिसन उसको सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक सब्सक्राइब ही तो करना है सर कर दीजिए ना थैंक यू सो मच धन्यवाद होम बी सेफ घर पर रहे सुरक्षित रहे कोरोना वायरस महामारी